हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग फार्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी फर्स्ट के लास्ट चैप्टर के ऊपर के एमसीक्यू। तो चैप्टर का नेम है पीएच बफर्स एंड एसिटोनिक सॉल्यूशन। इसके ऊपर के जो भी एमसीक्यू जीपैट में पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एमसीक्यू फर्स्ट, द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन हुज पीएच इज व्हाट? ऑप्शन ए ग्रेटर दैन 5, ऑप्शन बी ग्रेटर दैन 8, ऑप्शन सी ग्रेटर दैन 7 एंड ऑप्शन डी लेस दैन 7। एंड गेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर दैन 7। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑकर्स व्हेन व्हाट? ऑप्शन ए पीएच इज इक्वल टू पीकेए, ऑप्शन बी पीएच इज इक्वल टू सी, ऑप्शन सी पीएच इज इक्वल टू पीसीए एंड ऑप्शन डी पीएच इज इक्वल टू केए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पीएच इज इक्वल टू पीकेए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन अ पीएच इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन ए बफर, ऑप्शन बी बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन सी बफर एक्शन एंड ऑप्शन डी एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बफर एक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? ऑप्शन ए हीमोलाइटिक मेथड, ऑप्शन बी कॉलिगेटिव मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी क्राइस्कोपिक मेथड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सॉल्यूशंस हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर दैन दैट ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड आर नोन एज व्हाट? ऑप्शन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी हीमोलाइसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ टर्म पीएच एच इंडिकेट व्हाट्स? ऑप्शन ए हेलियम, ऑप्शन बी हाल्प, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। And the correct answer is option number C, hydrogen. Next MCQ, the value 14 on the pH scale indicate what? Option A, neutral, option B, slightly alkaline, option C, strongly acidic and option D, strongly alkaline. And the correct answer is option number D, strongly alkaline. Next MCQ, the movement of water molecules across the semi-permeable membrane from a region of low solute concentration to high solute concentration is known as what? Option A, osmotic pressure, option B, osmosis, option C, osmolarity and option D, osmolality. And the correct answer is option number B, osmosis. Next MCQ, cryoscopic method for adjusting tonicity and a pH comes under what? Option A, class 3rd method, option B, class 2nd method, option C, class 1st method and option D, class 4th method. And the correct answer is option number C, class 1st method. Next MCQ, the term pH was first used to which scientist? Option A, Sören Peter Lauritz Sorensen, option B, Pasteur, option C, Edward Jenner and option D, James Kelvin. And the correct answer is option number A, Sören Peter Lauritz and Sorensen. Next MCQ, the number of osmoles of a solute in a liter of a solution is called what? Option A, buffer capacity, option B, molarity, option C, osmolarity and option D, none of these. And the correct answer is option number C, osmolarity.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।